ऑफिसर। आपका? लेफ्टिनेंट। ब्लैक कमांडो। आर्मी ऑफिसर। रेसलर बनेंगे आईएएस आईपीएस? आईएएस। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज अटेली मंडी, और अटेली मंडी सलीमपुर, बिल्कुल अटेली मंडी में द इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद है हिमांशु लांबा। थोड़ा घुमा के तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ की बच्ची कक्षा 8 तक ये स्कूल है, और यहाँ पे बच्चों को आईएएस आईपीएस यानी कि यूपीएससी की भी तैयारी करवाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये हम आपको दिखाएंगे आगे। मेरे साथ देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। एक बच्ची ने वर्ल्ड में नाम दर्ज करवा गिनीज बुक, लिम्का बुक में। इसी स्कूल की छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने, उससे भी मिलवाएंगे, और यहाँ की इंदु यादव जो संचालक है उससे भी बातचीत करवाएंगे। तो हम स्कूल के अंदर द इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं, और ये नज़ारे दिखा रहे हैं हिमांशु लांबा। थोड़ा हाथ चलते चलते आगे भी दिखा दीजिए। ये ऑफिस है मैम, जहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे मैम का ऑफिस है इस साइड में, और यहाँ क्लास की ड्रेसेस वगैरह किताबें मिलती हैं। अब हम चिड़ियाघर में पहुँच गए जुहू में। कितना प्यारा दृश्य है, आप तस्वीर देख लीजिए। हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, ये तस्वीर देख लीजिए। ये किड्स बच्चों के, जो छोटे बच्चे उनके लिए, यहाँ से आईएएस आईपीएस बच्चे निकलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि इस स्कूल की नींव सीमित सीटें होती हैं। और यहाँ पे आगे की तस्वीर है, हॉस्पिटल बनाया गया है छोटे बच्चों का बाकायदा, और यहाँ जो बच्चे आते हैं प्रैक्टिकल सीखते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। हर कमरे में हर तरीके से बड़ी आराम से यहाँ पे ऊपर भालू रखा गया है, यह तस्वीर देख लीजिए। और यहाँ पे आते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे सेल एवर हैव टू 70% ऑफ, ये बिग सेल, ये बच्चों को सिखाया जाता है बहुत ही बाथ एवरी डे कीप यू फ्रेश। और यहाँ पे भी देख लीजिए, पूरा कमरा एकदम भरा हुआ है द इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल अटेली मंडी सलीमपुर में मौजूद हैं। और ये लगातार किड्स दिखा रहे हैं, एक तरफ घुसेंगे तो उधर से चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे। तो यहाँ भी कुछ अंदर भी दिखा देते हैं हम तस्वीरें। ये बच्चे बैठे हुए छोटे छोटे यहाँ पे, और यहाँ भी देख लीजिए क्लासेस चारों तरफ यहाँ पे। हेलो बच्चे, कैसे, हाउ आर यू, हाय, और ठीक हो? चलो, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ हम दिखा चुके हैं, अब आगे मैम से मिलवाते हैं। ऐसा स्कूल हमने नहीं देखा होगा, क्योंकि किड्स स्कूल की बातचीत करें, वहाँ पे बच्चों के एक ही कमरे में पूरा किड्स का सामान रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप एक तरफ से जाएंगे, चलते जाएंगे, ये किड्स का है। मेरे साथ आप बने रहिए। तो हमारे साथ वो छोटी सी बच्ची और स्कूल संचालिका बनी हुई खास बातचीत में हमारे साथ। और ये बच्ची ने जो सर्टिफिकेट हाथ में ले रखा है, देख लीजिए, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाया है। साहब इनकी ज़ुबानी जानते हैं, ये बच्ची आई कैसे है, कितनी मेहनत करनी पड़ी। पहले मैम से ही जानते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम बिंदु यादव है। पहले तो आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है कि बच्चे ने पूरे वर्ल्ड में नाम बनाया है अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, अपने इंडिया का नाम है इसके साथ में, कि 1 मिनट में जो कंप्लीट होल वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो इसने गिनाकर एक अपना रिकॉर्ड कायम किया है, दैट इज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, दिस इज़ द सर्टिफिकेट। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये स्कूल का नाम तो रोशन किया है, लेकिन महेंद्रगढ़ ज़िले का नाम भी रोशन किया है। ये देख लीजिए, हमें सिया यादव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, और ये हरियाणा का भी नाम रोशन किया है इस बच्ची ने, सिया यादव। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है अंकल। अच्छा, उम्र कितनी? 11 ईयर्स। तो आप सोचा था ये छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट कर जाएंगे? नहीं पता था, लेकिन प्रैक्टिस चल रही थी पहले से।
अपना मोटिवेशन किसने किया आपको भाई ये करना है करना आपको? टीचर्स पेरेंट्स। तो सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा इसमें आपको? टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का ही था। वो मैम का? मैम का भी काफी था, सबसे ज्यादा मैम का ही था। सबसे ज्यादा मैम का रहा है। आप पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, साहब मर जाते हैं, दूसरा जन्म ले लेते हैं, तीसरा जन्म ले लेते हैं, मेरा नाम हो कहीं ना कहीं। उन नाम के लिए लोग अरबों रुपये करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और लोग पूछते हैं यार कैसे तो हमारा नाम होना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा था छोटी सी उम्र में नादान जितना ज्ञान भी नहीं है और वो बच्ची अपना नाम कमा जाएगी? साहब इस छोटी सी पहचान और नाम के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं और ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं होता कि रिकॉर्ड बुक में हम नाम अपना दर्ज करवाएं। बेटा आपको पता है ये जो नाम दर्ज हुआ है ये आपकी ये स्कूल जो द इंग्लिश इंटरनेशनल स्कूल, तो यहाँ पे अगर नहीं आते तो क्या लगता है फिर भी होता? नहीं नहीं होता। नहीं यहाँ पे किस लिए छोड़ा मैं नर्सरी से यहाँ पे हूँ, पापा ने ये पहले एडमिशन करवाया था यहाँ पे नर्सरी से। अब आगे क्या करना? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मैम सारे बच्चे कहते हैं IAS ऑफिसर, तो ये क्या घोल के पिला रहे हो आप सबको IAS ऑफिसर? एक्चुअली सर ये सपना है मेरा कि यहाँ के बच्चे IAS ऑफिसर बने, और मोटिवेशन शुरू से ही डाला जाता है इनके अंदर। बच्चे मोटिवेटेड हैं फुली, और जैसे ये बच्चे डिसाइड करेंगे कि अब इनको पूरा हम सिखाते हैं उसी तरीके से कि ये नीली बत्ती की गाड़ी में आएंगे कि लाल बत्ती की में आएंगे या फिर अपने ऑटो में धूप बत्ती लगाएंगे तो इस तरीके से रहता है कि बच्चे फिर उनको लगता है कि कुछ ना कुछ है और उसको अचीव करना है। मैम आप दिखाती कम है करते बहुत ज़्यादा हैं, बाकी शक्लों वाले करते थोड़ा है दिखाते बहुत बड़ा है। आपका कहीं पोस्टर नहीं, किसी चौराहे पे बैनर नहीं, आपके स्कूल के बाहर आपके कोई बैनर नहीं, आपका कोई पोस्टर नहीं, किसी चौराहे पे ये तक नहीं लिखा द इंटरनेशनल स्कूल इधर है भाई, आप यह तीर का निशान लगा दिया ये इधर जाइए। तो मैम आप दिखाते क्यों नहीं, इतना बड़ा काम कर दिया। अगर ये जो ये आपने अचीवमेंट किया है शायद किसी स्कूल ने नहीं किया अब तक मेरे विचार से, तो मुझे तो सब स्कूल में जाता हूँ कोई बच्चा नहीं मिला या कोई स्कूल नहीं मिला, और ये अगर किसी स्कूल में होता इसको इतनी बुरी तरीके से कैश किया जाता, इतनी बुरी तरीके से कैश किया जाता कि लोगों के कान पक जाते सुन सुन के। और आप यहाँ इतनी प्यार से आराम से शांत बैठी हैं और अब भी आपका कोई ऐसा वो नहीं लग रहा कि आप इसको कैश करेंगे? एक्चुअली सर इवन मेरे थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं वो भी कंप्लीट वर्ल्ड को जानते हैं, नॉट ओनली कि जो है कंट्रीज़ कैपिटल्स हैं और जो फ्लैग्स वगैरह हैं वो सारा उनको नॉलेज है। बच्चे हर फील्ड में अच्छे हैं, साइंस में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन फिर आप कैश क्यों नहीं कर पाते, क्यों मतलब हाओ तड़क भड़क के ये जो बाकी स्कूल वाले करते हैं अच्छा नहीं लगता या करना नहीं चाहते या फिर सोचते छोड़िए हमारे पास तो बच्चे हमें सीमित रखते हैं, या फिर आपकी ख्वाहिश नहीं है कि स्कूल को हम कॉलेज बनाएं हमारे पास भी 10,000 बच्चे हों स्कूल में, तो ऐसा कुछ चाहते हैं? सर बिल्कुल चाहते हैं, सबका रहता है कि हाँ ये सब अचीव हो, लेकिन फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं बच्चों में अचीवमेंट्स इनको उपलब्धियां दिलाऊं। एक डॉक्टर होता है उसके पास में मरीज आते हैं, और यहाँ पर क्या ट्रेंड है कि जगह जगह पर जो डॉक्टर है वो मरीजों के पास में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास में सब अपने आप ढूंढ कर आ ही जाते हैं। लेकिन आज के स्कूल वाले तो एग्ज़ाम के होए और घर घर घुस जाते हैं हमारा एडमिशन करवाओ, तो आप क्यों नहीं जाते? सर नहीं जाते, यही बात है कि डॉक्टर मरीज वाली बात है कि अच्छे डॉक्टर के पास में सब जाना चाहते हैं। व्हाट इज द सिंबल नेम ऑफ पोटेशियम? ओके गुड। सोडियम? सल्फर? नेक्स्ट स्टूडेंट सिलिकॉन? Very good. Sit down. Next student. Rubidium. Sit down. Next. Calcium. Then hydrogen. Lead. Very good. Next student. Bismuth. Antimony. मैम क्या सोचा है आगे के लिए? आपने इतना बड़ा अचीवमेंट, आपके बच्चे बहुत ही अंग्रेजी क्यों अंग्रेजी से कुछ अंग्रेजी बोलने के, और छोटे बच्चों की तरह जबरदस्त मोटिवेशन कर रहे हो आप कि सभी के बच्चों से निकलता IAS IPS IAS IPS, ये जो मोटिवेशन है यही काम आता है मैम।
तो आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे हम 5,000-10,000 बच्चे करें, आपकी क्वालिटी अच्छी, आपका स्कूल अच्छा, आपका यहाँ व्यवहार अच्छा, आपका मोटिवेशन अच्छा, आपकी पढ़ाई अच्छी, आपके यहाँ जो व्यवस्था है स्कूल की ये भी बहुत अच्छी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं लगता है कुछ बच्चे आपके पास लेना नहीं चाहते या सीटें सीमित रखते हो, क्यों? सर, सीटें सीमित रखते हैं और एक्चुअली करियर ओरिएंटेड जो स्टडी होती है वो करवाई जाती है ताकि बच्चे का हम जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करें और फिर उसको जानें। तो जैसे बच्चे जब बच्चा 8 साल का होता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मेरा इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, धीरे 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 जैसे जैसे उसकी एज ग्रो होती है उसके बाद में हम वो उससे निकालते हैं कि इस बच्चे का ये इंटरेस्ट है और उसी तरीके से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि अदर स्कूल्स में क्या होता है कि 9th के बाद में ध्यान देना शुरू करते हैं, ये जो 8 साल हैं ये वेस्ट नहीं होने चाहिए, इन पर भी ध्यान देने के लिए कोई होना चाहिए। सो उससे उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके का प्लान किया है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो पहले हमें निकाला जाए, हम उसको इंटरेस्ट को डेवलप करें, उसके बाद में फिर उनको मोटिवेट करके उससे रिलेटेड कंप्लीट स्टडी कराई जाए। मैम, कितनी सीटें आपके स्कूल की अभी फिलहाल जो एडमिशन बच्चे करना चाहिए करना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या? सर, ट्रांसपोर्ट सुविधा सब जगह अवेलेबल हो जाएगी, बट ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर कि हाँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों में कुछ वैल्यूज़ पुट कराना चाहते हैं, नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, वो सर नंबर दे देंगे, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करेगा विद बच्चे का जो नाम है, क्लास है, और उस बिहाब पे उनको कुछ हम रिगार्ड भी करेंगे। तो मैम, सीमित सीटें नहीं है, 350-400 जो कुछ? हाँ जी सर, सीटें सीमित हैं। सो वो अकॉर्डिंग टू द क्लास है, सो दैट वी विल डिफाइन। तो मैम, आपके अचीवमेंट आपने एक ही दिखाया, दो अचीवमेंट अब भी छुपा रहे हो आप लोगों से, वो और बता दीजिए आपकी सर्टिफिकेट कहाँ पे है, वो सर्टिफिकेट तो ऑफिस में है सर। तो आप यही तो मार खा रहे हो, आप दिखाना नहीं चाहते, आप ये नहीं भाई हो गया चलो ठीक है ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल भी हम लेते हैं, आप गंभीर नहीं लेते इन चीज़ों का। यस सर, एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बिहेवियर बिल्डिंग के लिए और जो कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए अचीवमेंट मिला है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि इतने स्कूलों को मात देते हुए हमारे स्कूल ने अचीव किया है। और मैम, ये सिया से जानते हैं, सिया बेटा अभी तो छोटी सी उम्र में आपने वो कर दिया, शायद आप लोग बच्चे मेरे जैसे और बड़े खानदानी घर के लोग पैसे देने के लिए तैयार बैठे वो कर नहीं पाते, तो क्या कहेंगे उन लोगों को? खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। तो हमारे साथ सिया बनी हुई है और हम स्कूल में मौजूद हैं, मैम मेरे साथ बातचीत कर रही हैं, तो अभी यहाँ के अच्छा लगता है क्योंकि 8वीं कक्षा तक का स्कूल है अभी, और मैम कहती है सीमित सीटें होते हैं हमारे पास, ट्रांसफर सुविधा हम घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों का मोरल इतना हाई है कि आप सोच नहीं सकते, और यहाँ जो करके बच्चे अचीवमेंट करते हैं वो मैम दिखाते नहीं है, छुपा लेती हैं। अगर आप ऐसा स्कूल का कोई पागल ही मिलेगा, अपने बच्चों को भी बाहर नहीं दिखाता पब्लिक को, तो ये तो मैम ऐसी बहुत कम मिलती है। तो हम छोटी सी सिया के साथ बैठे हुए हैं और इस स्कूल में हम दूसरी बार आ रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मैम अब भी नहीं चाहती कि हम झूठा दिखावा करें, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं वो अपने मेहनत पे स्कूल के दम पे कर रहे हैं, इसमें दिखाना क्या है, मैम का मोटिव ये है, लेकिन हम कहना चाहते हैं जो दिखेगा आज के ज़माने में वो ही बिकेगा, अच्छे अच्छे करने वाले बैठे रह जाते हैं और साहब थोड़ा सा करके दिखाने वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैम, अंदर के स्कूल के कुछ बच्चों से मिल? हाँ जी सर, बच्चों से मिलवाएंगे बिल्कुल आपको। तो शिया चले बच्चों के साथ? यस अंकल। तो मेरे साथ आप चलिए, बच्चों के साथ कुछ बातचीत करते हैं। तो हम 4th कक्षा में मौजूद हैं तस्वीर, और बिंदु मैम मेरे साथ उपस्थित हैं, यादव जी, और छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे देख लीजिए। तो बेटा कौन सी कक्षा है? 4th। अच्छा, अभी क्या पढ़ाई चल रही थी? हिंदी। तो शिया बेटा को जानते हैं हम सब? यस सर। तो अभी भी क्या अचीवमेंट किया इन्होंने? ओके, कहाँ पे क्या रिकॉर्ड बनाया है? ओके, तो बेटा आप आ जाइए इधर, क्या नाम है आपका? पूजा यादव। अच्छा पूजा यादव, मुझे ये बताइए बेटी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, आपका क्या इरादा है अभी?
आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड. अच्छा अच्छा, ये बताइए फोर्थ कक्षा आप बैठे हो, आगे क्या इरादा आपका, कितना बड़ा क्या कुछ? आई वॉन्ट टू बिकम एन IPS ऑफिसर. ये है ना ये स्कूल, ये पता नहीं क्या सभी बच्चों को एक ही रट है IAS IPS, तो IPS क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज माई फादर एंड मदर मोटिवेट मी डैट हाउ IPS आर सुपर. अच्छा बेटा ये बताइए कितनी पढ़ाई करते हो? 3 hours आफ्टर कमिंग. अच्छा स्कूल से जाने के बाद. अच्छा म्यूजिक में से धमाका होता है आपके स्कूल में? यस. अच्छा मैं तो समझा पढ़ाते पढ़ाते हैं. अच्छा आप आ जाइए, क्या आप आ जाइए आगे, क्या सुनाएंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां है हमारा सारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. थैंक यू बेटा. अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आप तो हमेशा सुनाते हैं, क्या मैम से सुने? यस सर. अच्छा कौन सा गाना सुने मैम? वंदे मातरम. और नहीं आता हो तो कोई जरूरी थोड़ी है, कोई भी सुन ले. यस सर. तुम्हें भी गाना आप भी सुना दीजिए बच्चों के. सर ऐसा तो कोई गाना याद नहीं आ रहा है. धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा. बहुत खूब मैम. चाइना देश, लंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस्तांबुल, ईरान, इराक, तुर्की, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन. तो मेरे साथ हम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं. अच्छा बेटा कहाँ से आते हो आप? सर फ्रॉम बजाड. और आप? फ्रॉम हुडिया जैतपुर. सर फ्रॉम धनौंदा. अटेली बेगपुर. फ्रॉम धनौंदा. अच्छा यहाँ पे ही क्यों आते हैं आप, क्यों, क्या ये स्कूल क्यों चुना आपने? बिकॉज इट इज द बेस्ट स्कूल ऑफ हरियाणा. हरियाणा कितने साल से आ रहे हैं? कैसर सर? वेरी गुड. अब ये बताइए क्या बन के जाने वाले हैं यहाँ से? IAS एंडी ऑफिसर. अब इससे नीचे तो कोई बोलता नहीं है, अब मैं तो क्या कहूँ. ये मिंदू मैम जो यादव है ना, पता नहीं ये क्या बच्चों को सिखाती हैं या पढ़ाती है एक्चुअली में. ये तो कुछ बच्चे बन के निकलेंगे जब पता चलेगा. हाँ बेटा चुपचाप खड़ी हो. चुप. नाम क्या है? रिया. रिया बेटा क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा कहाँ से आते हो? अटेली बेगपुर. तो कैसा लगता है पढ़ाई? अच्छा. तो कमजोर है या होशियार? होशियार. पलक. पलक. तो पलक बेटा रेसलर बनेंगे IAS IPS? IAS. यस. हाँ बेटा सारे बोल दीजिए आप सारे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा मुझे ये बताइए आपका सबका कोई गोल है या वैसे हवा में तीर मार रहे हो? यस. अब तो वैसे कह दिया ठीक है वी आर गोल. गोल को वो करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यस सर. अच्छा क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? चलो आप बता. गोल आपने निश्चित कर लिया मुझे ये करना है जिंदगी में, तो कुछ तो फिक्स करते होगे ना आप? ऐसे थोड़ी अभी पढ़ाई की पढ़ाई की पढ़ाई की,
कुछ तो गोल होगा आपका यार, उसको अचीवमेंट तो करना है ना। टू डू स्टडी फॉर मेक आईपीएस। ये पक्का है? यस। अगर स्कूल से निकलते ही या हवाई हो जाता है? और सर स्कूल से निकलते ही भूल जाते हो सर? ना सर, म्यूजिक मस्ती शुरू हो जाती है। हाँ सर। चलो अच्छा मुझे ये बताइए, ये स्कूल में जब आप आए तो क्या ये स्कूल आपकी आशाओं पे खरा उतर रहा है? मतलब 100% खरा उतर रहा है आपकी आशाओं पे पढ़ाई में? यस सर। अभी झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो सर। तो सभी बच्चे आईएएस आईपीएस ही? यस सर। या कुछ और किसी का और मोटिव हो कुछ? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आपका? लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट जी। आर्मी ऑफिसर। ओके। ब्लैक कमांडो। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात। आर्मी ऑफिसर। बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है मैम, अच्छे बच्चे हैं और शायद ही भगवान करे आने वाले स्कूल में समय में हमें मौका ना दे आप, क्योंकि ये बच्चे सारे इतने बड़े बड़े पौधों पे जाने वाले हैं, उस समय आपका डंका बजेगा पूरे हरियाणा पूरे भारत में, सभी कहेंगे इस स्कूल, सारे स्कूल वाले मुंह ताकते रहेंगे कि इंदु मैम ने क्या कर दिया ये। हाँ जी सर, बिल्कुल बच्चों के लिए गुड विशेज हैं, ये अपने जो भी टारगेट है गोल है उसको अचीव करें और डेफिनेटली करेंगे सर। थैंक यू मैम। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।